अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर डॉक्टर बुरहान जमीर। दिस इज़ आवर सेकेंड लेक्चर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड द मैकेनिक्स ऑफ अ सिंगल पार्टिकल। इन दैट लेक्चर वी स्टेटेड एंड प्रूव्ड द कंजर्वेशन थ्योरम्स फॉर अ सिंगल पार्टिकल मोशन। टुडे वी डिस्कस द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स and again state and prove the conservation theorems for system of particles. First of all, what is a system of particles? A system of particle is the combination of many particles having same type of motion. For example, a rigid body is composed of atoms or molecules having interatomic or intermolecular forces among them. इन फोर्सेस की वजह से ये पार्टिकल्स अपनी जगह पर स्टैटिक रहते हैं और कोई से दो पार्टिकल्स का दरमियानी डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है। ये एक डायग्राम है जिसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दिखाया गया है। इसमें रैंडमली कोई से दो पार्टिकल्स आई विद मैस एम आई और जे विद मैस एम जे शो किए गए हैं। मैस एम आई का पोजीशन वेक्टर आर आई है फ्रॉम ओरिजिन और मैस एम जे का पोजीशन वेक्टर आर जे है फ्रॉम ओरिजिन। और आप देख सकते हैं कि इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का एक सेंटर ऑफ मैस यहाँ शो किया गया। व्हाट इज सेंटर ऑफ मैस? ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर पूरी बॉडी या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मैस एक्ट करता है। सेंटर ऑफ मैस का पोजीशन वेक्टर कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया गया है और ये कैपिटल आर कुछ इस एक्सप्रेशन से लिखा जाता है। इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखें, वैसे तो ये एक स्टैटिस्टिकल एक्सप्रेशन है। दिस इज़ द एवरेज ऑफ ऑल पोजीशन वेक्टर्स आर आई ओवर द मैस और ये जो एवरेज है ये वेटेड एवरेज है ओवर द मैस। तो ये एक एक्सप्रेशन है जिसको हम पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मैस कहते हैं। Now, according to Newton's second law of motion, we can write the force on ith particle as the time derivative of the momentum of the ith particle. This time derivative can also be written as pi dot. This dot represent the time derivative of a variable in classical mechanics. Here, Fi is the force on the ith particle. There are forces acting on the particles in the system. In general, the force Fi can be summed up and decomposed as this expression. इस एक्सप्रेशन में ये Fi फोर्स जो है ये टोटल फोर्स है ऑन ith पार्टिकल। इसको हमने सम किया है ओवर द i, यानी ये टोटल फोर्स बन गई पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की। ये i 1 से लेकर n तक सम करता है, यानी हमारे पास अगर n पार्टिकल्स हैं तो उन पर लगने वाली टोटल फोर्स जो है वो Fi होगी। अब ये Fi फोर्स क्या है? ये देखिए, एक तो वो फोर्स है जो पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर हम एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं। वो कोई भी फोर्स हो सकती है जो एक्सटर्नली अप्लाई होगी। मिसाल के तौर पर अगर एक रिजिड बॉडी है आपके पास और वो फ्री फॉल कर रही है तो वो एक्सटर्नल फोर्स एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो सकती है। इसी तरह से कोई मैकेनिकल फोर्स जो किसी बॉडी के ऊपर आप लगाते हैं जिसकी वजह से वो मूव करना शुरू कर देती है, वो भी हमारी एक्सटर्नल फोर्स होगी। एक और टर्म आप देख सकते हैं, ये टर्म Fij, ये फोर्स क्या है? दिस इज़ द फोर्स ऑन द ith पार्टिकल अप्लाइड बाय द पार्टिकल j। अब इंटरनली भी फोर्सेज मौजूद हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि देर आर सम इंटर एटोमिक और इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज। तो कोई से दो पार्टिकल्स आई और जे एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे होते हैं, जिसको हम इंटरनल फोर्स भी कह सकते हैं, उसको हम एफ आई जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये म्यूचुअल फोर्स है और इसको हम सम करते हैं ओवर आई एंड जे। आप देख रहे हैं कि ये आई और जे पे सम हो गया, यानी जितने भी पार्टिकल्स हैं सबके दरमियान जो फोर्स है वो दिस सम ऑफ आई एफ आई जे से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ ये बात देखिएगा कि आई कैन नेवर बी इक्वल टू जे, क्योंकि आई अपने ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता,
आई किसी दूसरे पार्टिकल जे पर फोर्स लगा सकता है। अगर आई इज इक्वल टू जे हो जाए तो फिर यहाँ परमोटेशंस 1, 1, 2, 2, 3, 3 भी आएंगी। यानी 1, 1 का मतलब होगा फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल बाय द फर्स्ट पार्टिकल, तो ये पॉसिबल नहीं है। फोर्स जो है वो फर्स्ट पार्टिकल पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्टिकल लगा सकते हैं, इस वजह से हम आई को जे के इक्वल नहीं रखेंगे यहाँ परमोटेशन में। सो हेयर एफ आई जे इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द आईथ पार्टिकल ड्यू टू द जेथ पार्टिकल, आल्सो कॉल्ड इंटरनल फोर्सेस, एंड एफ आई ई एक्स टी इज़ द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द आईथ पार्टिकल। प्रीवियस एक्सप्रेशन में फोर्स एफ आई को हम लिख सकते हैं एम आर आई डबल डॉट। यहाँ आर आई डबल डॉट क्या है, दिस इज़ द सेकेंड टाइम डेरीवेटिव, सेकेंड टाइम डेरीवेटिव ऑफ द पोजिशन वैक्टर ऑफ आईथ पार्टिकल आर आई। तो बेसिकली पोजिशन वैक्टर का फर्स्ट टाइम डेरीवेटिव लें हम तो वेलोसिटी मिलती है, और अगर सेकेंड टाइम डेरीवेटिव लें तो फिर हमें एक्सेलरेशन मिलता है। तो बेसिकली आर आई डबल डॉट क्या है, दिस इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द आईथ पार्टिकल। तो चूंकि हम सम कर रहे हैं इसको पूरे एन पार्टिकल्स पर, तो ये हमारे पास टोटल फोर्स आ गई एम ए अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो बाकी दो टर्म्स एज इट इज़ हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो टर्म है, ये सिग्मा के साथ जो हमारे पास टर्म है एफ आई जे, इसमें एफ आई जे को मैं इस तरह से लिखता हूँ एफ आई जे प्लस एफ जे आई। चूँकि आई और जे वन से एन तक वेरी करते हैं, तो ये इस एक्सप्रेशन से जो ऊपर दिया गया है इससे ये डबल हो जाते हैं नंबर्स में, चूँकि हमने दो कर दिए, तो इसलिए मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, ताकि टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हैं वो सेम ही रहें। अब मैं ये करता हूँ कि अप्लाई करता हूँ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन विच सेज दैट द फोर्स, चूँकि मैंने बताया कि आई और जे एक दूसरे के ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगा रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि अगर वो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल ना करती तो फिर वो पार्टिकल्स मूव कर सकते थे, क्योंकि उनका सम कैंसिल करता है एक दूसरे को, इस वजह से वो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हैं, और हम लिख सकते हैं एफ आई जे इज़ इक्वल टू माइनस एफ जे आई। जब हम ये एक्सप्रेशन यहाँ पुट करेंगे सेकंड टर्म की जगह, तो हमें कुछ यूँ मिल, तो आप देख सकते हैं कि ये हमने यहाँ माइनस एफ आई जे पुट किया एफ जे आई की जगह, तो ये दोनों टर्म सेम हो गई और इनका जो सम होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारे पास ये टर्म जो है वो ज़ीरो हो गई। तो जो टोटल फोर्स होती है सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर वो इक्वल होती है एक्सटर्नल फोर्स के, यानी इंटरनली कोई फोर्स मोशन का कॉज नहीं बनती। तो हमने ये प्रूव किया कि इंटरनल जो फोर्सेस थी उनका सम जो है वो हमेशा ज़ीरो होता है एज़ फार एज़ द कॉज ऑफ मोशन इज़ कंसर्न। तो कॉज ऑफ मोशन जो है वो हमेशा क्या होगी, एक्सटर्नल फोर्स। तो ये जो एफ आई एक्सटर्नल है, ये तो आईथ पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स थी, इसको सम किया तो ये पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स थी, तो ये पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर लगने वाली जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स है उसको हम कुछ यूँ लिखते हैं एफ एक्सटर्नल। तो हमने ये देखा कि नेट फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज़ जस्ट इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, वेयर एफ एक्सटर्नल इज द सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज ऑन द पार्टिकल्स आर द टोटल एक्सटर्नल फोर्सेज। नाउ वी डिफाइन द टोटल मैथ ऑफ द सिस्टम। चूँकि किसी एक आईथ पार्टिकल का मैथ एम आई है, तो अगर हम उसको सम कर दें ओवर द ऑल पार्टिकल्स, तो हमारे पास टोटल मैथ ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आता है, जिसको हम कैपिटल एम से रिप्रजेंट करते हैं। नाउ वी डिफाइन द सेंटर ऑफ मैथ पोजिशन वैक्टर, ये मैंने पहले भी आपको दिखाया था। इस एक्सप्रेशन में जो ये डिनोमिनेटर है इसको हम कैपिटल एम से रिप्लेस कर देते हैं, जैसे कि ये ऊपर मैंने आपको दिखाया, और फिर इस कैपिटल एम को अगर मैं इस कैपिटल आर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये जो सिग्मा है एम आई आर आई ये हमारे पास एम आर के इक्वल आ जाएगा, एम इंटू कैपिटल आर। तो हमारी जो प्रीवियस इक्वेशन थी वो ये थी, जो लास्ट स्लाइड पे हमने इक्वेशन ड्राइव की थी वो ये थी। इस इक्वेशन में ये जो एम आई आर आई डबल डॉट है, इसकी जगह अगर मैं एम आई आर आई लिख की जगह एम आर लिख दूँ, कैपिटल एम कैपिटल आर, तो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन हमारे पास बनता है।
इस एक्सप्रेशन में ये जो टर्म है, इस टर्म को मैंने रिप्लेस किया यहाँ से m इंटू कैपिटल R। तो चूंकि यहाँ तो डबल डॉट नहीं थे, R के ऊपर डबल डॉट नहीं था, लेकिन इस एक्सप्रेशन में डबल डॉट थे, लिहाजा सेकेंड टाइम डेरिवेटिव यहाँ अपीयर होगा। और जो राइट साइड की टर्म थी वो एज इट इज़ है, जिसको हमने टोटल एक्सटर्नल फोर्स भी कहा हुआ है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो टोटल फोर्स है ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज़ इक्वल टू द टोटल फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ मास। आप देख सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास पर लगने वाली फोर्स है, क्योंकि ये कैपिटल आर डबल डॉट का मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास मल्टीप्लाई बाय द होल मास विच इज़ एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास। क्योंकि मैंने आपको बताया सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर पूरी बॉडी या पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मास एक्ट कर रहा होता है। तो दिस कैपिटल एम इज़ द मास ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑल्सो। तो ये क्या बनता है? एम ए यानी फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ मास। तो जिस तरह से सेंटर ऑफ मास बिहेव कर रहा है उसी तरह से पूरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल बिहेव कर रहा है। तो कंक्लूजन हमारे पास कुछ यूँ है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम मूव्स एज इफ इट वर अ सिंगल पार्टिकल, दैट इज़ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एक्ट्स जस्ट एज इफ ऑल द मास वर कंसंट्रेटेड देयर। नाउ वी प्रूव द कंजर्वेशन थ्योरम्स फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एज वी ऑलरेडी प्रूव्ड फॉर द सिंगल पार्टिकल मोशन। तो जो फर्स्ट हमारा कंजर्वेशन थ्योरम है, दिस इज़ द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आपको मालूम है कि हमने सिंगल पार्टिकल मोशन में भी इसको प्रूव किया था। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? द मोमेंटम पी ऑफ द सिस्टम इज़ द वेक्टर ऑफ मोमेंटा ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तो हम कुछ इस तरह से सम की फॉर्म में लिख रहे हैं। पी आई जो है वो मोमेंटम ऑफ द आईथ पार्टिकल है। जब हम उसको सम कर देते हैं तो वो टोटल मोमेंटम पी बन जाता है, विच इज़ द मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो इस पी आई को हम एम वी भी लिख सकते हैं। आपको मैंने बताया कि डॉट का मतलब टाइम डेरिवेटिव होता है। तो आर आई जो पोजिशन वैक्टर था उसका फर्स्ट टाइम डेरीवेटिव हमें विलॉसिटी देगा। तो आने वाली स्लाइड्स में आप लोगों ने ये जहन में रखना है कि आर आई इज़ द पोजिशन वैक्टर, उस पर अगर सिंगल डॉट होगा तो वो विलॉसिटी को रिप्रजेंट करेगा, और उस पर अगर डबल डॉट होगा तो वो एक्सेलरेशन को रिप्रजेंट करेगा। तो इफ़ मैथ रिमेन्स कॉन्स्टेंट तो फिर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि ये एम आई हमारे पास आ गया, और ये आर आई डॉट को मैंने लिख दिया डी आर आई ओवर डी टी, और डी ओवर डी टी को मैं यानी डेरिवेटिव को मैं बाहर ले लेता हूँ, और मैथ चूँकि कॉन्स्टेंट मैंने लिया है तो वो इनसाइड द समेशन एंड इनसाइड द डेरिवेटिव चला जाएगा। नाउ फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पोजिशन वैक्टर वी हैव दिस एक्सप्रेशन। इसमें हम कैपिटल एम को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो एम आर जो है वो इस समेशन के इक्वल है। तो हमारी जो प्रीवियस स्लाइड की इक्वेशन थी, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू समेशन ओवर एम आई डी आर आई ओवर डी टी, तो उसमें एम आर आई को हम समेशन के साथ जो था उसको एम आर लिख लेंगे। तो ये डेरिवेटिव अप्लाई होगा, एम कॉन्स्टेंट है तो ये डेरिवेटिव आर पर अप्लाई होगा, तो आर डॉट हो जाएगा। तो यहाँ भी हमने वही कंक्लूजन निकाल लिया कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज़ बेसिकली द मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास। क्योंकि कैपिटल एम मास ऑफ द सेंटर ऑफ मास है, जैसे मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, और आर डॉट इज़ द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये एम वी बनता है, यानी मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास, और ये किसके इक्वल है? टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सो कंक्लूजन ये है कि दैट इज़ द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज़ इक्वल टू द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास। Therefore, we once again showed that the system of particles behaves as the center of mass. Now, taking time derivative of the previous equation on both sides, we have this equation. जो last equation हमने बनाई थी p is equal to m r dot, उसमें हम दोनों तरफ time derivative ले रहे हैं, तो p पे dot आ जाएगा, और r dot जो कि velocity थी उस पर एक और dot आएगा, वो acceleration बन जाएगा।
we already proved from equation 1 that external force is just equal to the force on the center of mass. तो इस एम आर डबल डॉट की जगह हम एफ एक्सटर्नल लिख देंगे यहाँ। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया जैसा हमारे पास सिंगल पार्टिकल मोशन में आया था, यानी मोमेंटम का जो टाइम डेरिवेटिव है दिस इज़ इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स। नाउ वी से दैट इफ़ देर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दैट इज़ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू ज़ीरो, देन टाइम डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम इज़ ज़ीरो और मोमेंटम इज़ कॉन्स्टेंट और कंजर्वड। देयरफॉर वी प्रूव्ड द कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ लीनियर मोमेंटम। नाउ वी प्रूव द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। फॉर दिस पर्पज लेट अस स्टार्ट विद द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द आईथ पार्टिकल। हम सिर्फ आईथ पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम ले रहे हैं। आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द मोमेंट आर्म एंड द लीनियर मोमेंटम। तो नाउ टेकिंग टाइम डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स वी गेट दिस एक्सप्रेशन। और इसको ओपन कैसे करेंगे, ये टाइम डेरिवेटिव उसी तरह अप्लाई होगा जैसे पहले भी हमने एक दफ़ा किया, जस्ट लाइक द प्रोडक्ट रूल ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट टर्म का टाइम डेरिवेटिव होगा क्रॉस सेकंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म क्रॉस द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड टर्म। तो यहाँ आप देखें जो रेड मोमेंटम की टर्म मैंने लिखी है इसको मैंने एम वी लिख दिया और ये हमारे पास बन गया। बिल्कुल इसी तरह से ये जो टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर है ये भी वेलोसिटी बन जाएगी हमारे पास। तो ये वेलोसिटी और एम आई आर आई डॉट का क्रॉस प्रोडक्ट बन गया। यहाँ से जो एम आई है वो स्केलर है, इसको हम अलग से लिख लेते हैं यहाँ। तो आर आई डॉट क्रॉस आर आई डॉट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी विद इटसेल्फ। तो ये सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट बिकम ज़ीरो। तो हमारे पास जो टाइम डेरिवेटिव ऑफ द एंगुलर मोमेंटम है वो ये सेकंड टर्म जो थी इसके इक्वल आ गया। नाउ बाय डेफिनेशन हमने ये पहले भी लिखा था, फोर्स ऑन द आईथ पार्टिकल इज़ द इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स प्लस इंटरनल फोर्स। तो यहाँ ये जो फोर्स है एफ आई, इसको हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से टाइम डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम भी लिख सकते हैं। गेट दिस एक्सप्रेशन, ये देख रहे हैं आप कि पी आई डॉट की जगह यानी मोमेंटम के टाइम डेरिवेटिव की जगह हमने फोर्स का एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब फर्दर हम ये करने लगे हैं कि ये तो चूंकि अभी तक आपने ये जो लिखा हुआ है दिस इज़ द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ आईथ पार्टिकल ओनली, ये सिर्फ आईथ पार्टिकल के लिए आपने लिखा था, तो हम इसको सम करेंगे ओवर द ऑल पार्टिकल्स ताकि हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम का टाइम डेरिवेटिव आ जाए। So the above expression is for only ith particle. For a system of particles we sum over all i. So hum is tarah se kuch likhenge, this is the time derivative of system of particles and this is the sum over i of the time derivative of angular momentum of the ith particle. So using equation 2, this above equation, for value of li dot we get this. अब आप देख लें ये जो L डॉट है सिर्फ, ये दिस इज़ द टोटल एंगुलर मोमेंटम एंड दिस इज़ सम ओवर आई आर आई क्रॉस द फोर्सेस, सम ऑफ फोर्सेस। तो यहाँ हमने दोनों टर्म्स को सेपरेट कर लिया और जैसा कि हमें पता है कि द इंटरनल फोर्सेस आर ज़ीरो, तो हम ये टर्म जो है यहाँ पर लिखी हुई दिस वन सेकेंड टर्म, इसको हम ज़ीरो कर देते हैं। तो हमारे पास जो है वो कुछ ये एक्सप्रेशन ऊपर वाला इस शक्ल में आ जाएगा। नाउ व्हाट इज़ आर आई क्रॉस एफ आई एक्सटर्नल। तो आर आई, आर क्रॉस एफ तो आपको पता है कि टॉर्क होता है, तो ये भी टॉर्क है, तो चूंकि ये एक्सटर्नल फोर्स है तो फिर ये एक्सटर्नल टॉर्क होगा। सो दिस टर्म डिफाइंस द एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द आईथ पार्टिकल विच इज़ एन आई एक्सटर्नल। तो ये आईथ पार्टिकल का जो एक्सटर्नल टॉर्क है उसको हम सम कर देते हैं ओवर द ऑल पार्टिकल्स, तो ये हमारे पास टोटल एक्सटर्नल टॉर्क ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल बन जाएगा। तो समेशन ओवर एन आई एक्सटर्नल इज इक्वल टू द टोटल टॉर्क ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो हम ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है इसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे, विच स्टेट्स दैट के टाइम डेरिवेटिव ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज़ इक्वल टू द नेट और टोटल टॉर्क ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। नाउ वी से दैट
when total external torque acting on the system of particles is zero, that is this external torque is zero, then time derivative of the angular momentum becomes zero. तो अगर ये time derivative zero के equal है तो इसका मतलब ये है कि total angular momentum of the system of particles is constant, which proves our conservation theorem for angular momentum. Now we discuss the conservation of energy for the system of particles. For this purpose, work done by all forces in moving the system of particles from an initial configuration 1 to a final configuration 2 is given by this expression. हम यहाँ पर ये ले रहे हैं कि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, वो किसी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन 1 में था और उस पर किसी फोर्स की वजह से वो किसी सेकंड कॉन्फ़िगरेशन, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन 2 में चला गया है. तो ऐसा करने पर जो सिस्टम ने वर्क किया है वो इस एक्सप्रेशन से लिखा गया है यहाँ. तो इस एक्सप्रेशन को अगर आप गौर से देखें तो ये जो एफ़ डॉट डी आर है, इंटेग्रल एफ डॉट डी आर, ये तो वर्क डन है फॉर अ सिंगल पार्टिकल और यहाँ ये आईथ पार्टिकल के लिए दिया गया है. लेकिन जब हम इसे सम कर देते हैं ओवर द ऑल पार्टिकल्स तो फिर हमारे पास ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए वर्क डन आ जाता है. तो नेक्स्ट स्टेप में हम इस फोर्स को डिकम्पोज कर रहे हैं जैसे हमने ऑलरेडी हमने किया है इस तरह से. अब यहाँ आप एक बार जहन में रखिएगा कि ये एफ आई जे जो है इसको हम अभी ज़ीरो नहीं कहेंगे. उसकी कुछ रीज़न है, वो रीज़न ये है कि हम यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करना चाहते हैं. तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दो पार्टिकल्स के दरमियान फ़ोर्स की वजह से भी उनके दरमियान एक पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है. तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ दो तरह की हो सकती है. एक तो एक्सटर्नल फोर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सटर्नल फोर्स अगर ग्रेविटी है तो ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है. लेकिन चूंकि पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे अर्थ जो है वो एक्सटर्नल फोर्स लगा रही है उस पर, इसी तरह से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर जो फोर्स लगाता है उस फोर्स की वजह से भी एक पोटेंशियल एनर्जी वहाँ एग्जिस्ट करती है. जैसे आपने देखा होगा कि अगर दो मैसेस को एक स्प्रिंग से बांध दिया जाए और कंप्रेस कर दें तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है. जैसे ही आप उन स्प्रिंग को फ्री छोड़ेंगे तो वो दोनों मूव करेंगे मैसेज. तो बिल्कुल इसी तरह से दो पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स है उस फोर्स की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है उन पार्टिकल्स के दरमियान. इस पोटेंशियल एनर्जी को हम केमिकल पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं. तो चूंकि पोटेंशियल एनर्जी की टर्म जो है वो ज़रूर अपीयर होगी इस एफ आई जे की वजह से, इसलिए अभी हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते वक्त इसको ज़ीरो नहीं करेंगे. काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते वक्त हम इसको ज़ीरो लेंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मोशन से रिलेट करती है. तो मोशन में इस फोर्स का कोई किरदार नहीं है, कोई रोल नहीं है. तो इस वजह से हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते वक्त एफ आई जे को ज़ीरो लेंगे. तो हम इन दोनों टर्म्स को ये डॉट डी आर आई से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों टर्म्स को, तो हमारे पास ये दो एक्सप्रेशन बन जाते हैं. अब ये हमारा वर्क डन है फ्रॉम 1 to 2 और इसको हम इक्वेशन 3 कह के यहाँ पर छोड़ रहे हैं. तो हम टर्म वाइज चलेंगे यहाँ. तो पहले हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे. तो प्रीवियस स्लाइड पे जो हमारे पास दो टर्म्स थी उनको हमने I1 और I2 कह दिया क्योंकि उन दोनों में दो इंटेग्रल हैं. तो हम यहाँ I1 जो है वो ये इंटेग्रल है एक्सटर्नल फोर्स का और I2 ये सेकेंड इंटेग्रल है इंटरनल फोर्सेस का. तो आइए हम 1 by 1 इन दोनों इंटेग्रल्स को इवेल्यूएट करते हैं. सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इंटेग्रल, वी नो फॉर अ कंजर्वेटिव फील्ड, ये हम पहले भी कर चुके हैं सिंगल पार्टिकल मोशन में, एनी फोर्स कैन बी रिटन एज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. हेयर Vi is the potential energy of the particle I due to the external force Fi in a conservative field. Therefore, हमारा जो integral है जो previous slide में हमने लिखा था first integral, उसमें force की जगह हम ये लिख देते हैं minus del I Vi और del I को फिर हम लिखते हैं the position derivative. तो ये dRi इस dRi से cancel हो जाता है तो हमारे पास बन जाता है कुछ इस तरह से टोटल डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी विद अ नेगेटिव साइन. तो इसका इंटेग्रल हम लेंगे तो कुछ यूँ आएगा हमारे पास. तो लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द आईथ पार्टिकल इन कॉन्फ़िगरेशन 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द आईथ पार्टिकल इन कॉन्फ़िगरेशन 1.
इनको हम सेपरेट कर लेते हैं, तो हमारे पास ये क्वेश्चन 7 आ गई। इंटेग्रल 1 हमने सॉल्व कर लिया, अब हम इंटेग्रल चलते हैं सॉल्यूशन ऑफ I2। तो ये हमारे पास इंटेग्रल है। इस इंटेग्रल में अगर हम इस फोर्स को नेगेटिव ग्रेडियंट लिख के प्रीवियस स्लाइड की तरह d/dr लिख भी दें, तो d/dri नहीं आएगा, d/drij आएगा, तो वो dri से कैंसिल नहीं हो सकता। तो हमें थोड़ा सा इसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी fij की पहले। तो इस ट्रीटमेंट के लिए हम ये करते हैं कि इस समेशन के दो पार्ट्स कर लेते हैं। पहला जो पार्ट है fij पर है, और यहाँ fij क्या है कि i इज़ ग्रेटर देन j, यानी जो फर्स्ट इंडेक्स है वो सेकंड इंडेक्स से बड़ा होगा हमेशा। और दूसरा जो समेशन है उसमें हमने fji लिखा है और j इज़ लेस देन i लिखा, इसका मतलब है कि जो फर्स्ट इंडेक्स है वो सेकंड से हमेशा छोटा होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ फर्स्ट इंडेक्स हमेशा बड़ा होगा सेकंड से, और ये सेकंड इंटीग्रल में सेकंड समेशन में तो जो पहला इंडेक्स है वो सेकंड इंडेक्स से हमेशा स्मॉल होगा। इस बात को समझने के लिए मैंने आपके सामने ये कुछ परमोटेशंस रखी हैं। आप देख रहे हैं कि कोई भी जनरल जो परमोटेशन बनती हैं दो इंडेसिस के लिए वो मैंने यहाँ लिख दी। तो चूंकि आई कैन नॉट बी इक्वल टू जे, तो 1-1 वाली टर्म तो नहीं मैं ले सकता, तो इसलिए मैं 1-2, 1-3, 1-4 एंड सो ऑन ले रहा हूँ। इसी तरह से 2-1 ले रहा हूँ, 2-2 मैं नहीं ले रहा, 2-2 इस वजह से नहीं ले रहा कि आई कैन नॉट बी इक्वल टू जे, तो मैं बाकी सब परमोटेशंस ले रहा हूँ 2-3, 2-4 एंड सो ऑन। इसी तरह से 3-1, 3-2 तो मैंने ली है, लेकिन 3-3 मैं नहीं ले सकता, 3-4 मैं ले रहा हूँ एंड सो ऑन। तो अब इसमें आप देखें कि जिसमें फर्स्ट इंडेक्स जो है वो सेकेंड इंडेक्स से बड़ा है वो टर्म्स मैं लिख रहा हूँ। तो देखें ये तो नहीं है ना, ये तीनों में से कोई नहीं है। यहाँ ये फर्स्ट टर्म में देखें 2 इज़ ग्रेटर देन 1 है, तो मैं ये यहाँ लिख लेता हूँ fij में। और इसी तरह से ये भी नहीं आएगा। आप यहाँ देखिए, यहाँ फर्स्ट इंडेक्स बड़ा है और सेकेंड छोटा है, और इस सेकेंड टर्म में भी, तो फिर मैंने इनको भी यहाँ लिख लिया एंड सो ऑन। यानी इस तरह की टर्म्स हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से जहाँ j इज़ लेस देन i है, लेकिन ये एफ जे आई में है, अब ऊपर वाला एफ आई जे था, ये एफ जे आई है, तो इस एफ जे आई में फर्स्ट इंडेक्स छोटा जो है वो हमने लिखना है। तो यहाँ से आप देखें जो रेड नहीं हुए हुए वो उसमें फर्स्ट इंडेक्स छोटा है सेकंड से, तो मैं 1-2, 1-3 लिख देता हूँ। इसी तरह से ये 1-4 भी आएगा, इसी तरह 2-3, 2-4 एंड सो ऑन लिख देता हूँ, और इसी तरह से यहाँ 3-4 आएगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम ना ये जनरल जो परमोटेशन हैं सारी की सारी, इनके दो हिस्से कर सकते हैं, दो पार्ट्स। एक पार्ट कुछ एफ आई जे होगा जो इस कंडीशन में आएगा आई इज़ ग्रेटर देन जे, और दूसरा पार्ट जो है वो एफ जे आई होगा जो इस कन्फिग्रेशन के लिए आएगा, यानी जे इज़ लेस देन आई के लिए। तो इस मेथड्स से मैंने ये एक इंटेग्रल जो आई और जे पर था, जिसमें आई इज़ नॉट इक्वल टू जे था, तो इसको दो हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया, ये दो पार्ट्स में। तो अब इसको हम फर्दर हैं, अब ये प्रीवियस जो एक्सप्रेशन मैंने दो पार्ट्स में लिखा है, इसमें मैं अप्लाई करता हूँ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो आप देख रहे हैं कि एफ जे आई जो था सेकंड वाला, उसको मैंने एफ आई जे लिख दिया, लेकिन एक नेगेटिव साइन भी यहाँ पर लिखा है। तो ऐसा करने से एफ आई जे और ये एफ आई जे, ये इंटेग्रल के साथ मेरे पास ये कॉमन आ जाते हैं, और इनसाइड द जो इंटेग्रल है वो डॉट डी आर आई और डी आर जे थे, तो वो इस तरह सब्ट्रैक्शन में आ जाते हैं। तो ये मेरे पास है, और आप ये कंडीशन भी देख लें, ये सेम कंडीशन है, आई इज़ ग्रेटर देन जे, ये भी आई इज़ ग्रेटर देन जे ही है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ। अब आप ये फिगर देखिए, ये फिगर हम पहले भी देख चुके हैं, इसमें सिर्फ एक चेंज है कि ये आर आई और आर जे का जो डिफरेंस वेक्टर है आर आई जे, इसको मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया। तो चूंकि हमारे पास यहाँ पर एक डिफरेंस आ रहा था, इस वजह से मैंने ये डायग्राम बनाई। तो आप देखें ये आर आई माइनस आर जे जो है वो आर आई जे के इक्वल है, बाय हेड टू टेल रूल आप इस पर अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हम इसे डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आप देखें डी आर आई जे इज़ द सब्ट्रैक्शन ऑफ डी आर आई एंड डी आर जे, जो हमारे पास ये अबव इंटेग्रल में था, इस सब्ट्रैक्शन की जगह हम क्या लिखेंगे, ये एक सिंगल वेक्टर डी आर आई जे। तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटेग्रल आ जाएगा। आप देख रहे हैं इंटेग्रल में वो जो सब्ट्रैक्शन थी उसकी जगह डी आर आई जे आ गया।
तो अब आप देखेंगे पूरा एक्सप्रेशन, इसमें एफ आई जे है और डी आर आई जे है, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था। अब हम एफ आई जे को नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू पार्टिकल्स लिख सकते हैं। तो नाउ आई राइट एफ आई जे फोर्स बिटवीन आई एंड जे इज़ इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन आई एंड जे। तो या फिर हम इसको डेल को हम डी ओवर डी आर भी लिखते हैं, तो फिर ये इस तरह से आ जाएगा। ये सब्स्टिट्यूट करेंगे हम एफ आई जे की जगह इस इंटेग्रल में, तो हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बनता है। तो यहाँ अब आप देखिए कि ये डी आर आई जे इस डी आर आई जे से कैंसिल हो जाएगा। तो पहले नहीं हो सकता था क्योंकि यहाँ डी आर आई था सिर्फ और यहाँ डी आर आई जे होता, तो फिर ये कैंसिल नहीं हो सकते थे, इसलिए हमने ये सारा ऊपर वाला मैथमेटिक्स किया। तो ये दोनों कैंसिल होंगे तो हमारे पास टोटल डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, जो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है जिसका मैंने जिक्र पहले कर दिया कि ये वो पोटेंशियल एनर्जी है जो इंटरनल फोर्सेस की वजह से है। तो ये इंटेग्रल्स जो है ना इवेल्यूएट हो जाएगा यहाँ से, ये हमारे पास आ जाएगा, इस पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू पार्टिकल्स इन कन्फिग्रेशन टू माइनस द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू पार्टिकल्स इन कन्फिग्रेशन वन, और चूँकि हम इसे सम कर रहे हैं तो इस वजह से ये टोटल बन जाएगी। तो इसको फर्दर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस साइन से हम इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ये माइनस प्लस आ गया हमारे पास। अब देखें ये आई सिर्फ आई इज़ ग्रेटर देन जे के लिए लिखा हुआ है, इसी तरह से ये भी सिर्फ आई इज़ ग्रेटर देन जे के लिए लिखा हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये फॉर ऑल आई जे मैं इनको लिख लूँ। तो ये जो फर्स्ट टर्म है इन कन्फिग्रेशन टू, इसमें मैं सिर्फ आई इज़ ग्रेटर देन जे नहीं बल्कि फॉर ऑल आई जे लिख लेता हूँ एक्सेप्ट आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। तो मैं इसके साथ ये 1/2 की टर्म लगा देता हूँ। इसी तरह से ये कन्फिग्रेशन वन में ये जो हाफ परमोटेशंस हैं यहाँ जो सिर्फ आई इज़ ग्रेटर देन जे के लिए लिखी हुई थी, लेकिन मैं इस पर हाफ लगा कर इनको भी फॉर ऑल आई एंड जे के लिए लिख लेता हूँ, बट आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। तो दिस इज़ अवर इक्वेशन एट, इसको हमने इक्वेशन एट कह दिया। तो हमारे पास दोनों इंटेग्रल्स इवेल्यूएट हो गए हैं, तो हम उनको वर्क डन वन एंड टू जो हमने इक्वेशन फोर में एक्चुअली दो इंटेग्रल की फॉर्म में डिफाइन किया था, उसमें इन दोनों इंटेग्रल की वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करेंगे। ये मैंने सब्सिट्यूट की हैं, आप देख सकते हैं जो हमने फाइंड की हैं वो सब्सिट्यूट हो गई। अब इसमें मैं इनको सेपरेट करता हूँ, कन्फिग्रेशन टू वाली टर्म्स एक ये है और एक ये है, ये दोनों को मैंने इकट्ठा कर लिया, नेगेटिव साइन इधर से कॉमन आ गया। इसी तरह कन्फिग्रेशन वन में एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इनको भी इकट्ठा कर लिया। तो अब ये जो ये पहली ब्रैकेट है इस पर पहले बात कर लेते हैं। ये जो फर्स्ट टर्म है आपको याद है कि ये सेकंड कॉन्फ़िगरेशन में एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी बनी थी ये वो टर्म है, लेकिन ये जो सेकंड टर्म है ये इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी या केमिकल पोटेंशियल एनर्जी की टर्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक कन्फिग्रेशन में जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होती है, दिस इज़ द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स एंड द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस। तो इसी तरह से कन्फिग्रेशन वन में भी ये दोनों उसी तरह के सेम फॉर्म में आ गए हमारे पास। तो वेयर ये जो फर्स्ट पूरी टर्म है इसको हम वी टू कह रहे हैं, यानी टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन कन्फिग्रेशन टू, और ये जो सेकंड ब्रैकेट थी ये वाली इसको हम वी वन कह रहे हैं, विच इज़ द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन कन्फिग्रेशन वन। तो वेयर वी वन एंड वी टू आर द टोटल पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एट पोजिशंस वन एंड टू, देयर फोर हमारा जो वर्क डन है इट बिकम्स डब्ल्यू वन टू इज इक्वल टू माइनस वी टू, ये आपके सामने माइनस और ये सारा वी टू बन गया, और फिर प्लस साइन है हमारे पास, ये प्लस आ गया और ये सारी ब्रैकेट जो है वो वी वन आ गई। तो इस तरह से हमने पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है उसको वर्क के इक्वल जो है वो प्रूव कर लिया, जैसे हमने सिंगल पार्टिकल मोशन में भी किया था। तो अब हम काइनेटिक एनर्जी की तरफ चलेंगे। तो इस स्लाइड में हम काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे। तो हम वही वर्क डन का एक्सप्रेशन फिर से ले लेते हैं, ये आपके सामने है। तो इस एक्सप्रेशन में जो ये सेकंड टर्म है, तो चूंकि पोटेंशियल एनर्जी में तो इसका रोल था लेकिन मोशन में इसका रोल नहीं है, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज़ रिलेटेड टू द मोशन। तो ये जो एफ आई जे फोर्सेज हैं इनको हम ज़ीरो लेंगे यहाँ, तो इनको ज़ीरो लेने से हमारा जो वर्क डन का इंटेग्रल है वो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स पर रह जाएगा, यानी फर्स्ट इंटेग्रल।
तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम उसी तरह ट्रीट करेंगे जैसे हमने सिंगल पार्टिकल मोशन के लिए किया था। ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, इसको फोर्स को मैं लिख रहा हूँ मैथ इनटू एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होता है, डॉट ये जो पोजीशन है डी आर आई, इसको मैं लिख रहा हूँ वी आई डी टी। आपको पता है वेलोसिटी की डेफिनेशन से हम ये लिख सकते हैं वेलोसिटी इज़ डी आर आई ओवर डी टी होता है, तो वहाँ से डी आर आई की वैल्यू वी डी टी आ जाएगी, ये हमने लिख दी है। तो फर्दर ये जो वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव है, इसको मैंने लिखा डी वी आई ओवर डी टी, तो ये डी टी इस डी टी से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो है वर्क डन क्या आ गया, एम आई डी वी आई डॉट वी आई। चूँकि डी वी आई और वी आई सेम डायरेक्शन में है, तो ये डॉट ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, हमारे पास ये आ गया मैथ इज स्केलर एंड कॉन्स्टेंट, इसको हमने बाहर लिख लिया। तो वी आई डी वी आई का जो इंटेग्रल है वो बाय पावर रूल वी आई स्क्वेयर ओवर टू आएगा, तो ये वी आई स्क्वेयर ओवर टू, तो इस पर हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे। अब लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म जो है, दिस इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन द कॉन्फ़िगरेशन टू आ जाएगी, और ये सेकंड टर्म जो है, दिस इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन कॉन्फ़िगरेशन वन आ जाएगी। तो इस तरह से हमने वर्क डन, वही वर्क डन जो पहले भी लिखा था, उसको हमने डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में यहाँ इक्वेशन 10 में लिख लिया। यहाँ T2 और T1 जो हैं ये ऊपर एक्सप्रेशन से हम लिख सकते हैं। T1 एंड T2 आर द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एट पोजीशन 1 एंड 2। अब एट द एंड हम ये करेंगे कि री राइटिंग इक्वेशन 9 एंड 10। आपको याद है कि 9 में हमने वर्क डन को डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्रूव किया था, और 10 में हमने वर्क डन को डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जीज के इक्वल प्रूव किया था। इनको हमने लिखा है ये दोबारा से, इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन से हमारे पास ये आ जाती है इक्वेशन। इसको रीअरेंज करेंगे हम थोड़ा सा, और रीअरेंज करके हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। ये उसी तरह का एक्सप्रेशन है जैसा सिंगल पार्टिकल मोशन में भी था। आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी टोटल एनर्जी आ गई इन कॉन्फ़िगरेशन वन, और राइट हैंड साइड पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी आ गई इन कॉन्फ़िगरेशन टू, तो ये हमारे पास E2 आ गई। इसका मतलब है कि एनर्जी एट पोजीशन टू इज़ इक्वल टू द एनर्जी एट पोजीशन वन, देयरफॉर द टोटल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट और कंजर्व्ड। तो इस तरह से हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स प्रूव हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। In the next lecture, we discuss the basis of the Lagrangian mechanics.